यहाँ पर स्टूडेंट्स बात आती है, हम बात कर रहे हैं पोएटिक डिवाइस की। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला जो पोएटिक डिवाइस इस पोएम में यूज हुआ है वो हुआ है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन स्टूडेंट्स क्या होता है? एलिट्रेशन स्टूडेंट होता है रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड। यानी किसी कॉन्सोनेंट साउंड की जब दो या दो से अधिक शब्दों में लगातार आए, दो या दो से अधिक शब्दों में एक साथ उच्चारण हुआ हो। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, हम यहां पर इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे सेप्टेम्बर सनलाइट, ठीक है स्टूडेंट, जैसे सेप्टेम्बर सनलाइट, तो यहां पर एस साउंड की रेपिटेशन हुई है। और एस क्या है स्टूडेंट्स हमारा? एस एक कॉन्सोनेंट है। इसके अलावा आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ट्री ट्रम्बल्स, तो यहां पर टी क्या है? टी एक कॉन्सोनेंट है और इसकी रिपीटेशन हुई है, तो यहां पर एलिट्रेशन डिवाइस यूज हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट हम देख सकते हैं यहां पर एक डिवाइस यूज हुआ है सिमली। स्टूडेंट सिमली क्या होता है? व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स विद द हेल्प ऑफ लाइक और एज। स्टूडेंट जब हम लाइक और एज की सहायता से दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं तब वहां पर हमारा सिमली पोएटिक डिवाइस हुआ करता है। चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे स्लीक एज अ लिजर्ड। अब ये देखिए एज से कंपेयर हो रहा है, किस चीज को कंपेयर किया जा रहा है यहां पर? बर्ड को, जो हमारी चिड़िया है गोल्डफिंच, उसको कंपेयर किया जा रहा है लिजर्ड से। किसकी हेल्प से? एस की हेल्प से। तो यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ स्टूडेंट? यहां पर पोएटिक डिवाइस हुआ सिमली। थर्ड पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं। तीसरा पोएटिक डिवाइस स्टूडेंट है आपका इस पोएम में जो यूज हुआ है वो हुआ है मेटाफर। स्टूडेंट मेटाफर क्या होता है? मेटाफर होता है जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं बिना लाइक और एस के स्टूडेंट्स। तो यहां पर इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं, समझते हैं कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है। जैसे इट इज, ये एग्जाम्पल है, इट इज द इंजिन ऑफ हर फैमिली। यहां पर देखिए स्टूडेंट, यहां पर इट से किसको रेफर किया गया है? बर्ड को, ठीक है स्टूडेंट्स, इट से रेफर किया गया है बर्ड को। और किस चीज से कंपेयर किया गया है बर्ड को? इंजन से, बिना लाइक और एस के। तो यहां पर पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। ऐसे ही नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर फोर्थ पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इसका हिंदी में भी मतलब होता है मानवीकरण, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल हम इसको देखते हैं एग्जांपल से। जैसे द होल, ये एग्जांपल है, द होल ट्री ट्रम्बल्स। यानी बेटे यहां पर कहा गया है कि जो पूरा पेड़ है वो ट्रम्बल करने लगा, वो कांपने लगा, थरथराने लगा। लेकिन क्या कोई निर्जीव चीज थरथरा सकती है, कांप सकती है? दिस कांपना, थरथराना या ट्रम्बल करना, दिस इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स की। तो यहां पर क्या किया गया है? इस ट्री को पर्सोनिफाइड कर दिया गया है, यानी इसका मानवीकरण कर दिया गया है। इसको क्या किया गया है? पर्सोनिफाइड, ठीक है स्टूडेंट। तो हम ये समझ सकते हैं। और एक लास्ट पोएटिक डिवाइस है जो बचा हुआ है और वो है हमारा स्टूडेंट ट्रांसफर एपिथेट। स्टूडेंट ट्रांसफर एपिथेट में क्या होता है? ट्रांसफर एपिथेट में होता है वेयर द एडवर्ब इज ट्रांसफर्ड टू अनदर नाउन।
जब किसी एडवर्ब को ट्रांसफर किया जाता है किसी दूसरे नाउन के लिए, किसी एडवर्ब को यानी जो वर्ब की स्पेशलिटी बताता है ऐसा वर्ड ट्रांसफर किया जाता है किसी नाउन को, किसी नाउन के बारे में वो बताता है, तब यहां पर ट्रांसफर एपिथेट होता है। एग्जांपल से देखिए, जैसे हर बार्ड फेस ऑफ आइडेंटिटी। अब स्टूडेंट यहां पर देखिए, यहां पर दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर एपिथेट, यानी यहां पर एडवर्ब जो है हमारी वो ट्रांसफर की गई है किसको, नाउन को। सो स्टूडेंट्स, होप के वीडियो आपको पसंद आई होगी, यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड थैंक यू इस वीडियो पर बने रहने के लिए लास्ट तक, और प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।